ने रक्तदान किया। मथुरा जनपद के कस्बा शेरगढ़ में स्थित जैन मंदिर के प्रांगण में रक्त मित्र फाउंडेशन संस्था के द्वारा श्री अग्रसेन सेवा मंडल शेरगढ़ के तत्वाधान में द्वितीय रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शिविर में महिला रक्तदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर में संदर्भ में अग्रसेन सेवा मंडल के अध्यक्ष मयंक जैन ने बताया कि सबसे पहले श्री अग्रसेन महाराज जी की प्रतिमा पर मुख्य अतिथि के द्वारा माल्यार्पण किया गया। उसके बाद आज के हमारे शिविर के मुख्य अतिथि IAS ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM अजय जैन सदर मथुरा रहे। उन्होंने फीता काट कर शिविर का शुभारंभ किया। अब तक 25 लोगों ने रक्तदान किया है। 60 लोगों को रक्तदान कराने का हमारे पास लक्ष्य अभी पूरा दिन बाकी है। हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। पहले भी संगठन के द्वारा ऐसे शिविरों का आयोजन किया गया है, तब भी हमारे लक्ष्य से ज्यादा रक्तदाता कस्बा शेरगढ़ क्षेत्र से आए। अब की बार संस्था द्वारा रक्तदाताओं को IAS मार्का हेलमेट प्रदान किए गए। इस मौके पर सभी ने रक्तदान किया। क्या नाम है सर आपका? मैं सर, आज वहाँ जो रक्तदान शिविर लगाया गया उसके बारे में बताएं क्या है? ये हमारे अग्रवाल सेवा मंडल द्वारा आज द्वितीय अग्रसेन सेवा मंडल द्वारा जी आज द्वितीय रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें हमारी मथुरा से रक्त मित्र फाउंडेशन की टीम आई है, उनके साथ डॉक्टर भी हैं। आज जो हमारा लक्ष्य है करीब 60 लोगों का ब्लड डोनेट करने का है, जिसमें से करीब 25 लोगों का रक्तदान कर चुके हैं। तो आपके आज मुख्य अतिथि कौन रहे हैं? आज के हमारे मुख्य अतिथि IAS ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर मथुरा थे, और हमारे जो है हमारे बीच में शेरगढ़ थाना प्रभारी सिद्धू जी भी रहे थे। किस जगह लगाया जा रहा है ये? दिगंबर जैन मंदिर पर लगाया जा रहा है, मथुरा की।